अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप सब? आपसे सब बढ़िया होंगे, खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो कुवैत के कानून के ऊपर होने वाला है, और आज के वीडियो उनके लिए है जो ड्राइविंग करते हैं वो भी कुवैत में, क्योंकि ये तीन ऐसे कानून बिल पास हुए हैं कुवैत में। कुवैत की जो यहाँ की पार्लियामेंट है वहाँ पे तीन ऐसे बिल पास हुए हैं जिसको जानना आपको जरूरी है। ये खासकर ड्राइवर के लिए है, और जिन लोग गाड़ी चलाते हैं, जिनके पास गाड़ी है, फोर व्हीलर है, ये खासकर उनके लिए होने वाला है। तो क्या है तीनों अपडेट वो आपको जानना जरूरी है, कब पास हो रहे हैं यानी कब लागू होगा। तो हो सकता है ये बिल पास हो चुका है, लेकिन हो सकता है ये महीने के लास्ट में या तो आने वाला जो नवंबर का महीना है उसमें ये बिल लागू हो जाए, कानून लागू हो जाए, और आपको देखने को मिल जाएगा कि क्या क्या चीज़ों की बदलाव हुआ है। तो क्या है वो तीनों कानून, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत करना। तीनों कानून बहुत ही जबरदस्त हैं, और नुकसान होगा या फायदा होगा ये आपको जानने के बाद पता चलेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला कानून जो पास किया गया है वो बदलाव होने वाला है फ्यूल को लेके, यानी पेट्रोल और डीजल को लेके बहुत बदलाव होने वाला है। हो सकता है महंगा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है। और दूसरा जो है वो है लाइसेंस के ऊपर, जैसे कि लाइसेंस जो मतलब बनता है 1 साल या 2 साल 3 साल का लाइसेंस जो बनता है उसके प्राइस के लेकर है, घटने वाला है बढ़ने वाला। और तीसरा जो है स्पीड का लेकर, गाड़ी की जो स्पीड है उसको लेकर है, जो उसके फाइन होते हैं स्पीड के, वो हो सकता है आने वाले दिनों में ज़्यादा हो जाएं, बढ़ जाएं। तो इसी तीनों के बारे में जानेंगे क्या क्या होने वाला है बदलाव। सकते बाहर से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही होगी, तो मैं गाड़ी के अंदर जाके मैं बताता हूँ, ठीक है। फ्यूल को लेकर बात करते हैं, यहाँ पे फ्यूल तीन तरीके का मिलता है। पहला मिलता है प्रीमियम, दूसरा है अल्ट्रा, और तीसरा है अल्ट्रा प्रो, ठीक है। तो यानी होता है 91, 95, सऊदी में ज़्यादा चलता है, और 98, ये नंबर कोड नंबर दिया गया है। तो फ्यूल का रेट है अभी जो प्रीमियम है, इसको आदि बोलते हैं यहाँ पे, वो 85 फिल्स है, यानी इंडियन 22 रुपये का भी बनता है। उसके बाद जो सुपर है, सुपर 105 फिल्स है, ठीक है। और उसके बाद है सुपर अल्ट्रा है, वो करीब 230 फिल्स का, यानी रूबा का पड़ता है, तरीके में रूबा का है, ये जो बड़ी गाड़ियां हैं फरारी वगैरह उसमें, रोज राइज उसमें पड़ता है। तो इनको फ्यूल के लेकर बात हो रही है, यानी कानून पास हो गया, हो सकता है ये महीने के लास्ट में या तो नवंबर के स्टार्टिंग में इसका प्राइस बढ़ने वाला है पेट्रोल का, समझ रहे हो, पेट्रोल का प्राइस बढ़ने वाला है। अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया भाई तो मान के चलिए बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि जितना एक ड्राइवर के लिए फ़ायदा है और जिनकी अपनी गाड़ियां हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। ड्राइवर का थोड़ा ये फ़ायदा होगा कि ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा घूमते हैं, वे मतलब का घूमते रहते हैं, तो हो सकता है पेट्रोल महंगा होने की वजह से इनको घूमना बंद कर दें, घूमना थोड़ा सा कम कर दें, क्योंकि वे फालतू में बहुत घूमते हैं ये। लेकिन जो अपनी गाड़ी पर्सनल गाड़ी है उनका नुकसान होगा। दूसरी बात करूँ लाइसेंस को लेकर बात आ रही है, लाइसेंस में बदलाव किया जा रहा है। लाइसेंस में बदलाव क्या होने वाला है कि जो लाइसेंस प्राइस है, यानी लाइसेंस का रेट जो यहाँ पे मिनिमम अभी चल रहा है, लाइसेंस जो रिन्यूअल कराना है बनवाना है 5 दिनार में, यानी 5 KD में 3 ईयर्स का है, 5 दिनार में 3 साल के लिए लाइसेंस रिन्यूअल होता है। तो इसकी वजह इतना कम और इतना सस्ता होने की वजह से, जिसको देखो यानी बहुत ज़्यादा यहाँ पे लाइसेंस हो गया है, हर आदमी लाइसेंस निकाल रहा है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए जो है जो ट्रेनिंग होती है उसमें भी सख्ती की जाएगी। उसके बाद जो इसका प्राइस है, प्राइसिंग बढ़ाया जाएगा इस साल का, जैसे सऊदी में पहले 40 रियाल एक साल का था, फिर 200 हो गया, 400 हो गया, इस तरह से बढ़ गया, वैसे कुवैत में भी वही होने वाला है। जो 3 साल का 5 KD लगता है, तो वो हो सकता है कि उसका रेट बढ़ा दिया जाए। खबर जो आ रही है स्पीड को लगे, जैसे कि सऊदी में पता है पहले स्पीड जो मुखालफा था वो 300 रियाल था, फिर उससे बढ़ के 500 हुआ, अभी 1000 से 1000 रियाल तक मुखालफा चढ़ा गया। ये क्यों गया है, कानून को फॉलो नहीं करते लोग, स्पीड ज़्यादा चलाते हैं। अब यहाँ क्या है, स्पीड कैमरा जो आता है रोड का वो 30 दिनार है मौके पर अभी, और जो सिग्नल है वो है 50 KD, पार्किंग 5 दिनार है, सीट बेल्ट का 5-10 दिनार है, ऐसा मतलब मुखालफा बहुत कम है यहाँ के हिसाब से, बहुत कम मुखालफा। तो ज़्यादातर लोग रोल फॉलो नहीं करते, स्पीड बहुत चलाते हैं, गाड़ी सिग्नल क्रॉस कर देते हैं, सीट बेल्ट नहीं लगाए, मोबाइल का यूज करते, तो ये सब बातें हैं। तो अभी जो बात चल रही है वो मुखालफा बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, यानी जो भी मुखालफा होगा वो तकरीबन 100 दिनार के आसपास होगा, यानी जो 30 दिनार है, 50 दिनार है, 40 दिनार मुखालफा है, इसको बढ़ा के करीब 100 दिनार कर दिया जाएगा, यानी 100 दिनार के ऊपर ही होगा सारे जितने भी मुखालफा हैं,
और जो ये 5 दिनार 10 दिनार मुकालमा ये 50-60 दिनार में होंगे, बाकी और जितने बड़े मुकालमा ये सब 100 दिनार के होने वाले हैं। और एक सबसे बड़ा मुकालमा जो है वो है जो विकलांग वाली जगह होती है, पार्किंग, हैंडीकैप पार्किंग जो होती है, अगर आपका कार्ड नहीं बना हुआ है और उस पर अगर गाड़ी खड़ी करते हो तो मीनिमम अभी जो चल रहा है 500 दिनार मुकालमा चल रहा है अगर हैंडीकैप पार्किंग में आप अपनी पार्किंग लगाते हैं और आपका पास नहीं बना हुआ है और उस दौरान पकड़े गए तो 500 दिनार का मुखालफा है। तो अगर कोई भी ड्राइवर है, इंडियन हो कहीं किसी भी देश का हो, भूल कर भी हैंडीकैप पार्किंग में गाड़ी पार्क मत करना, नहीं अगर आपका कार्ड नहीं बना हो तो कम से कम 500 दिनार भरना पड़ेगा। तो ये तीन है जो तीन कानून है वो लागू होने वाले हैं, हो सकता है ये महीने के लास्ट में आ जाएगा या तो फिर अगले महीना आने वाला है नवंबर में। तो गाड़ी में बैठा था इसके लिए वीडियो बना लूँ क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, इसलिए गाड़ी में बैठा हूँ, देख रहे हो पसीना बहुत आ रहा है। तो चलिए अब क्या आपको समझ में आया होगा और अपने दोस्तों को भी भेजना ताकि उन तक ये बात पहुँच सके, उनसे जानकारी मिल सके उनको। तो चलिए वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, अपना ख्याल रखें।